रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 एस, रेडमी नोट 7, सभी लोग परेशान हो गए हैं। जितने रेडमी नोट 7 के यूजर्स हैं सभी परेशान हो गए हैं। परेशान इसलिए हुए हैं क्योंकि रेडमी नोट 7 को MIUI 11 का अपडेट मिल रहा है। कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, बताऊंगा क्या तरीका है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर गिवअवे चल रहा है, दिवाली गिफ्ट का गिवअवे चल रहा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 के सारे लोग हैं परेशान हो गए हैं क्योंकि MIUI 11 का अपडेट मिलने वाला है। सब कुछ बताऊंगा इसी मोबाइल के हेल्प से बताऊंगा और पूरा चीज आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाकर गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप सभी के लिए दिवाली गिफ्ट है, गिवअवे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब जरा देखिएगा दोस्तों, अभी तक रेडमी नोट 7 प्रो, 7S या 7 को अभी तक अपडेट नहीं मिला है। देखो फ्रेंड्स, कहां से अपडेट करना है, अगर आपको अपडेट फ्यूचर में नहीं मिलता है, सब कुछ बताऊंगा इसी मोबाइल के हेल्प बताऊंगा। इससे पहले बता दूं आपको मैं, देखो अभी अपडेट नहीं मिला है और जैसे आपको अपडेट मिले ना, उस समय अपडेट मत करना, क्योंकि देखो क्या होता है कि अपडेट में बहुत सारा बग्स होता है। कई बार क्या होता है कि आपको अपडेट मैनुअली नहीं मिलता है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स द्वारा आपको इलीगल वेबसाइट बताया जाता है, कई ऐसे ऐसे वेबसाइट बताई जाती हैं जो कि वहां से अगर आप रैम को डाउनलोड करते हो, फिर उसको फ्लैश करते हो, तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स होता है। और वो जो रैम होते हैं, जो इलीगल वेबसाइट आप डाउनलोड करते हो, वो रैम जो होते हैं सही नहीं होते हैं। एक बहुत कुछ समझ लो, बहुत बार इस चीज को वीडियो में बोल चुका हूँ, क्योंकि इसकी जो ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और जो स्वामी के जो हैं वो खुद ही मना करते हैं, उसीलिए जो स्वामी जो है अपना अलग से ऑथराइज्ड वेबसाइट बता दिया है। अब देखो, अगर आपको ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं मिलता है तो मैनुअली कहां से करेंगे, जो मैं आपको अभी इस मोबाइल में वेबसाइट बताऊंगा, वो जो वेबसाइट है वो स्वामी का है और वो लीगल वेबसाइट है। कैसे वहां से करना है, उसको रोम को डाउनलोड करिए, कुछ सेटिंग आपको मोबाइल में करनी होगी, सारे कुछ इस मोबाइल में मैं डिस्कस करूंगा, क्या आप सेटिंग करोगे कि आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में ना हो, इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं आगे कर लेता हूं कि ताकि आपको उसका सब कुछ समझ में आए, एक मिनट। ये एक्चुअली मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा है। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो मैं इसका वाईफाई ऑन कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको मैं और जगह कर लेता हूं कि आपको जो कुछ दिक्कत ना हो। तो वाईफाई को मैं कनेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा वाईफाई है कनेक्टेड हो गया है। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम होता हो, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है आपको, आपको चले जाना है क्रोम में। ऐसे आप क्रोम में जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखा, यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है, जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं वो बिल्कुल लीगल वेबसाइट है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। आपको क्या लिखना है, MIUI स्पेस ROM, ये जो MIUI रोम है देख लीजिए अच्छे से, इसको लिखकर आपको सर्च कर देना है, MIUI रोम आपको लिख के सर्च कर देना है। चलिए आगे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, सर्च करना है, जो ये आपको MIUI रोम जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन, वेट ये रुक जाओ, अभी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, यहां पर क्या करो MIUI रोम डाउनलोड लिखो, MIUI रोम डाउनलोड, ये अब देखो जो ये पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करोगे ना, आपके तमाम आपके डिवाइस जो हैं आपके सामने पूरे एक डिवाइस की लिस्ट ही आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको ब्राइटनेस लेवल बढ़ा देता हूं,
ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब यहां से आपको Redmi Note 7 आपको दिख रहा है, Note 7 Pro दिख रहा है, यहां पर इसको क्लिक करना है आपको। अब देखो जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, ये जो पूरा एक डिवाइस है, एक पूरा आइकन है, ये खुल जाएगा आपके सामने, मतलब एक पूरा एक पेज ही खुल जा रहा है। अब देखो यहां पर अभी तक तो अपडेट नहीं आया है, अगर आपको मैनुअली अपडेट नहीं मिलता है तो इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। अब यहां पर देखो जो पहला लिखा है वर्जन 10.3.1 है, तो ये जो वर्जन है आप सभी ने इसको अपडेट किया होगा। ये जो है Redmi Note 7 ग्लोबल है, और यहां पर जो आपको वर्जन दिख रहा है Redmi Note 7 इंडिया वेरिएंट, तो जो ये Redmi Note 7 इंडिया लिख रहा है इसी फाइल को आपको डाउनलोड करना है। यहां पर जो अभी आपको 10.3 दिख रहा है, जैसे ही MIUI 11 का अपडेट आएगा ये जो 10.3 है ये हट जाएगा और वहां पर MIUI 11 का दिखाएगा, MIUI 11 इंडिया वेरिएंट का दिखाएगा आपको। अब यहां पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस रोम को डाउनलोड कर लेना है। यहां से आप जैसे डाउनलोड फुल वर्जन पर क्लिक करोगे ये देख सकते हो कि यहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाए दोस्तों, इसको मैं स्टॉप कर देता हूं, जैसे ही डाउनलोड हो जाए ना, एक मिनट, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है। अब देखो ये जो रोम डाउनलोड होगा इसमें कोई भी बग्स नहीं होगा, तो हो सकता है कि यहां तक आने में दिक्कत हो रोम को, मतलब यहां तक जो ये यहां पर जो भी रोम पब्लिश होता है उसमें कोई भी फ्रेंड्स बग्स वगैरह नहीं होता है, तो ये तभी यहां पर रोम होगा। हो सकता है कि जैसे आपको अपडेट मिले एक जो दो दिन या एक हफ्ते बाद ही आपको मिले रोम, लेकिन जो यहां से आप डाउनलोड करोगे रोम ना उसमें कोई भी बग्स वगैरह नहीं होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सेटिंग में चले जाना है, कोई भी डिवाइस आपको आपको सेटिंग में चले जाना है, चाहे वो Redmi Note 4 हो, Redmi Note 5 Pro हो, Redmi Y 2 हो, ये जो प्रोसेस मैं सबके लिए बता रहा हूं खासतौर पर वीडियो में Note 7 के लिए बनाया है। यहां पर आपको एक अबाउट फोन का सेशन मिलेगा सबसे ऊपर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अबाउट फोन का सेशन मिल रहा है, एक मिनट, ठीक है। इस अबाउट फोन वाले सेशन में आपको क्लिक करना है अबाउट फोन पर, ये जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है अबाउट फोन, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे अबाउट फोन का आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, यहां पर क्लिक करना है। ये तब आपको करना है जब आपके मोबाइल में रोम इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब जैसे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहां पर एक तीन डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये और ऑप्शन तीन थ्री डॉट वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिएगा दोस्तों आपके मोबाइल में सिर्फ ये चार ही ऑप्शन खुल रहे होंगे और आपको आपके मोबाइल में कम से कम छह ऑप्शन खोलना है, यहां पर छह ऑप्शन आने चाहिए। अगर छह ऑप्शन नहीं आते हैं जो आपका मोबाइल है वो नहीं होगा, अपडेट नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है, आपको जो तो ये 10 डॉट दिख रहा है इस पर कम से कम आपको 5 से 6 बार क्लिक करना है। जैसे इस 10 डॉट पर आप 5 से 6 बार क्लिक करोगे आपका जो यहां पर चार ऑप्शन है वो 5 से 6 में बदल जाएगा। क्या करना है, 5 से 6 बार यहां पर क्लिक करना है। अब देखो यहां पर एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है, इस नोटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एडिशनल फीचर था वो ऑन हो गया है। अब देखो यहां पर 6 ऑप्शन आने लगे दोस्तों, पहले 4 आ रहे थे अब 6 आ रहे हैं। बहुत लोग यहां पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे फ्लैश करें। यहां पर आपको दिख रहा है चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन, इस चूज अपडेट पैकेज के ऑप्शन पर दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, इस चूज अपडेट पैकेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों ये आपको सीधे रीडायरेक्ट कर देगा आपके फाइल मैनेजर में। यहां पर आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है, ये देखिए जो यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपको यहां पर आपको चले जाना है। अब यहां से उस फाइल को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको रोम को इंस्टॉल किए हैं। जैसे ही आपने रोम को डाउनलोड करेंगे ना वहां पर ये रोम का जो फाइल है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको रोम का फाइल को यहां पर क्लिक करना है, जैसे यहां पर आया कोई रोम का फाइल यहां पर क्लिक कर दी, जैसे रोम के फाइल पर क्लिक करोगे ना वो सीधे आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर, और आपको रीडायरेक्ट करने के बाद वो एनक्रिप्ट करेगा और जब आपका रोम है वो फ्लैश हो जाएगा। ये जो तरीका बता रहा हूं और जो मैंने आपको वेबसाइट बताया दोस्तों वो पूरी तरह से लीगल वेबसाइट है और इसमें आपको कोई भी बग्स वगैरह नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। अब दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो उसमें हो सकता है आपका बग्स है, हो सकता है कि वो हैकरों में इलीगल तरीके से आप नहीं करना है,
जो मैं आपको तरीका बताया हूँ लीगल है, स्वामी के ऑथराइज वेबसाइट पर आपको लेकर रोम डाउनलोड कराया हूँ, तो आप इसी तरीके से करना। जिस में पार्टिसिपेट कर रहे ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो बस यही तो छोटा सा प्यारा सा वीडियो आप सभी के लिए, अभी तक के लिए बस इतना है, कल तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वी देवीधर को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है।